क्लास ट्वेल्थ का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है तो गल करते हैं नॉन मेडिकल की। तो साढ़े नाल टॉपर ने अखिलेश मेहरा, बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद सी सरप्राइज था बट क्योंकि हम तो अपनी पढ़ाई में अपने जेई की तैयारी में लगे होते हैं, बट इट वॉज अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज। अच्छा लगा, अच्छा लगता है व्हेन यू नो योर एफर्ट्स आर क्राउन्ड विद सक्सेस, सो नाइस। की शेड्यूल रहता सी पढ़ाई का हमारा? मतलब आई स्टडीड फॉर 7 to 8 आवर्स एवरी डे, तो वो उसी में सारा दिन निकल जाता था, एंड टेस्टिंग एंड उसके बाद रिविजन काफ़ी करने में टाइम, तो मोर अदर यही रहता था। आई स्टडीड जब मुझे ठीक लगता था कि अभी करना है मुझे पढ़ाई। स्ट्रेस बहुत रहता है मेडिकल नॉन मेडिकल विच, तो कितना अपने आप में काम रखते सी या होर की एक्टिविटीज़ होर करते सी? स्ट्रेस मैनेज करने के लिए फॉर मी, मुझे राइटिंग का बहुत शौक है, सो आई यूज़ टू राइट माई फीलिंग्स डाउन, जो मुझे लग रहा है कभी कि कभी डाउन लग रहा है, कभी बहुत स्ट्रेस लग रहा है, कभी रिजल्ट अच्छा नहीं आया, सो राइट दोज फीलिंग्स डाउन। एंड उसे लिख के ऐसा लगता था कि ठीक है एक वेंट मिल गया है, अच्छा लगा लिख के। एंड उसके बाद आई यूज़ टू गो आउट फॉर वॉक्स, कभी म्यूजिक सुन लिया, कभी ऐसी सो गए, आराम कर लिया, रेस्ट कर लिया, सो डिफरेंट वेज टू कोप विद स्ट्रेस। नाउ टॉप करता है, आगे नेक्स्ट की है, लाइक व्हाट आर योर ड्रीम्स और फ्यूचर की सोचे है? अभी तो इमीडिएटली आफ्टर दिस, अभी थ्री ऑफ अभी इन सम डेज मेरा आई हैव माय सेकंड राउंड फॉर जेई मेंस, एंड उसके बाद देन एडवांस एंड एवरीथिंग, ऑल अदर एग्जाम्स, सो आफ्टर दैट आई होप टू गेट इनटू अ गुड कॉलेज, लेट्स सी हाउ दैट गोज, फिंगर्स क्रॉस्ड। एक और चीज़, कोविड तो बाद जोड़ा पढ़ाई का पैटर्न है बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, स्पेशली ऑनलाइन क्लासेस एंड जोड़ी मेडिकल तो नॉन मेडिकल स्ट्रीम है वो अजि है, यू नीड फिजिकल तुम्हें पढ़ाया जाए, है ना, टीचर्स इदा पढ़ाया जाए, तो कि कोपअप किया वो दो साल तुम करियर भी बनाना है, दैन मेडिकल दे विच हर एक चीज़ समझनी कई बार ऑनलाइन औखी हो जाती है। सबसे बड़ा चैलेंज एक जो था कि हम वी ऑलवेज ग्रोन अप इन अ वेरी सोशल सेटिंग, तो उसके बाद सडनली इतनी आइसोलेशन के अकेले पढ़ रहे हैं घर में बैठ के सारा दिन ऑनलाइन क्लासेस, तो कीपिंग योर सेल्फ एट पीस, कीपिंग योर मेंटल हेल्थ ओके वॉज अ बिग चैलेंज, तो उसको ठीक रखने के लिए अगेन बीच बीच में ब्रेक्स लेना पढ़ाई के, कभी किसी दोस्त को कॉल कर लिया, सब कर लिया। एंड एज फार एज द थिंग के पढ़ाई मुश्किल थी ऑनलाइन में, एंड इट वॉज अ डिफरेंट थिंग फॉर एवरीबडी, के स्कूलिंग का हमारा सिस्टम ही बदल गया कम्प्लीटली, तो मुश्किल था, बट आई थिंक कि हमारे टीचर्स वर वेरी वंडरफुल, वेरी अकोमोडेटिंग, एंड उन्होंने जो सपोर्ट दी आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड उन्होंने ऑब्वियसली यू नो यू फील के कुछ चीज़ें मिस होती हैं फ्रॉम एन ऑफलाइन मोड, बट दे डिड मेक अप फॉर इट अ लॉट ऑफ द टाइम। इस दौरान जड़े भी कन्फ्यूजन्स होंगी सी, तो हाउ डू यू मैनेज, किदा उन्हें ठीक करते? डाउट क्लियरिंग के लिए टीचर्स हमेशा अवेलेबल रहे 24/7, एंड बाकी ऑब्वियसली हम All of us peers were also there on different social media groups जहाँ पे हमने discussion के लिए बनाए हुए थे, so peer to peer interaction हमारी रही even in the online mode, and of course teachers available थे, तो doubt clearing हो जाती थी। 99.4 parents तक कितना के साथ है, support है? बहुत ज़्यादा, मतलब I उनकी support नहीं होती तो आज मैं कुछ नहीं होता, so a lot मतलब almost 100% of my success is because of them and of course my teachers। पेरेंट्स नो जोड़ा है काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहता है बच्चों का, तो मदर है उपासना, उन्होंने गल करते हैं। मैम बच्चे ने तुहाडे अचीव किया, हालांकि शुरुआत है, तुसी किन्ने की ज़्यादा खुश हुए जब रिजल्ट पता लग्या? एक्चुअली मैम फ्रेंकली स्पीकिंग रिजल्ट आया और इसने मुझे रिजल्ट बताया तो मतलब मैंने कहा अच्छा ठीक है बेटा गुड मार्क्स, बट ये है कि उसके बाद ही अपना एग्जाम देने चला गया, एंड व्हेन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम यू नो द स्कूल टेलिंग अस दैट ही स्टॉप्ड द ट्रेजेडी, तो फिर तब और भी खुशी दुगनी हो गई कि चलो बच्चे ने एक अचीवमेंट की है, एंड दिस इंडिकेट्स कि भाई मेहनत का फल बच्चे को मिल गया है, तो ही फेल्ट हैप्पी एंड वी ऑल्सो फेल्ट वेरी हैप्पी। स्ट्रीम लिखता है इन्होंने, दैट इज ऑफ योर चॉइस है या इन्होंने अपनी पर्सनल चॉइस? दिस इज एंटायरली अखिलेश चॉइस, मैं तो ये ही इज अ राइटर, अ पोएट, अ पेंटर, एन आर्टिस्ट, तो मैं तो इसको अगर मेरे से आप पूछते तो आई वुड हैव, ही हैज़ रिटन अ बुक विच इज़ सेलिंग ऑन अमेजोन, तो मैंने तो इसको कहा था कि अखिलेश वाई डोंट यू परस्यू यू नो इंग्लिश, बट ही सेड नो मम्मा आई वॉन्ट टू यू नो गो इन फॉर साइंसेज, सो इसके पास चॉइस ओपन थी हमारी तरफ से, एंड वॉट एवर ही वॉन्टेड टू डू वी अलाउड हिम, सो इट वॉज एंटायरली हिज चॉइस। मैम 99.4 वो भी नॉन मेडिकल दे विच, है ना, तो जड़े रिलेटिव्स हैं उन्होंने कॉल आने आ रहे होने, है ना, की कह रहे हो सर? मैम खुश है सब, लेकिन एक फ्रेंकली स्पीकिंग ये है कि अभी तो ये बोर्ड का रिजल्ट आया,
मेन एडमिशन्स आर ड्यू फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सो उसकी वेट में है ज़्यादा सभी कि लेट्स सी हाउ डज ही डू इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. बाकी एवरीबडी इज़ हैप्पी दैट गुड ही कुड क्रैक बोर्ड वेरी वेल. तो वो उसने उठान सवेरे उठान का काम तुहाडा हुंदा सी या अपने आप ही उठ के पढ़ाई करना? नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि उठाने का. एक्चुअली एक शेड्यूल है, वो मुझे रात को अगर 2 बजे या 3 बजे सो रहा है या 1:30 बजे सो रहा है तो एक मैसेज कर देता था वेक मी अप एट दिस टाइम, कि अगर बाई चांस कहीं अलार्म से ना उठ पाए तो आई वेक हिम अप. तो इस तरह का शेड्यूल रहा है उसका. वो पढ़ने के बाद ही वुड सेंड मी अ मैसेज कि इस टाइम आप मुझे उठा देना, या फिर वो अलार्म भी सेट कर लेता था कभी. सो एक डबल श्योरिटी हो जाती है कि अलार्म भी है और मम्मा को भी बोल दिया है. मम्मा का भी टेस्ट नहीं, ऐसा कुछ नहीं. आई थिंक सारी पीछे से ना जो होता है, मेहनत तो बच्चा ही करता है. इट्स जस्ट दी यू नो सपोर्ट मोटिवेशन एंड जो वो उसको एक रिक्वायर्ड एक बैकअप ये चाहिए होता है ना, समबडी इज देयर टू लिसन टू हिम. वो क्या होता है मैम, सक्सेस में तो सब आ जाते हैं, फेलियर में कोई नहीं आता. तो जब वो गिरता था तब उसे उठाने के लिए जो है ना वो किसी का होना ज़रूरी था. तो दैट वॉज आर पार्ट, तो कि उसको मतलब ही कुड फॉल्टर बट आई वुड नॉट लेट हिम फॉल. तो इसलिए ठीक है जो उसने किया, उसकी सारी मेहनत है, लेकिन पीछे से हमारी तो सारी सपोर्ट ही थी और बैकिंग थी. एंड वी वुड नॉट लेट हिम लूज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि इस जर्नी में बच्चों की बहुत बार ऐसा होता है कि दिल टूट जाता है, ये लगता है कि आई एम नॉट डूइंग वेल बिकॉज इट इज़ अ डिफ़िकल्ट जर्नी. बाकी ये है टीचर्स थे, टीचर्स की बड़ी हेल्प एंड मोटिवेशन थी, स्कूल वॉज ऑलवेज देयर एंड घर से जितना बैकअप हम दे सकते थे हमने दिया. So I think everything combined led to this. 99.4 बहुत कट नहीं होंगे. मैनू अपना समय याद आ रहा है, साढ़े शायद इन्नी परसेंटेज आती तो अभी कितने होंगे. सर गौतम है फादर अखिलेश जी दे. गौतम जी बहुत बहुत मुबारकबाद, थोड़े मुंडे ने अचीव किया ट्राई सिटी के अचीव किया है ना. तो कहते फादर स्ट्रिक्ट होंगे थोड़े जे, तो यू वर लीनियंट और स्ट्रिक्ट? मेरे ख्याल से मैं तो बहुत लीनियंट हूँ. पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हो? That, sir, so I'm, मेरा सॉफ्टवेयर रहता है कि मैं चलो अपना गुड बॉय, क्योंकि कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी स्ट्रिक्टनेस दिखाने की. खुद ही इतने रिस्पॉन्सिबल हैं, खुद ही समझते हैं कैसे चलना, अपने आप ही उन्होंने चॉकआउट किया तो ठीक है. वे जस्ट हम लोग होते हैं कि देखने के लिए पे सब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा. सीबीएसई के पैटर्न की गल करते हैं, पिछले 2 सालों के बीच बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं ना. आई रिमेंबर वैन वी वर इन स्कूल तो साढ़ा बहुत ही ज़्यादा 99-98% बहुत घट सुनने मिलती सी, लाइक एक या दो बच्चा अचीव करता सी. हुण ट्राईसिटी की गल करते हैं तो लगभग 10 बच्चे अजिहे होने जिन्हें 90s परसेंटेज आ रही है. इस चीज़ को किवें देखते हो? एक कॉम्पीटिशन तो होंगे ही है, कॉम्पीटिटिव फीलिंग बच्चों के वास्ते कि प्रैशर तो नहीं बन जाता? बहुत बड़ा प्रेशर है जी, बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर है. आज 99.4, 99.5, 99.8 हो सकता है ये ऊपर भी एडमिशन ना मिलन. अज आप देखिए कि बड़े कॉलेजेस है ने उत्ते 99.9 ते भी कट ऑफ एडमिशन नहीं मिलती. सो ये तो बहुत ही चलो सानू खुशी असी निकल गए इस दौर तो. असी तो 75-80% वाले सी, उससे ही बहुत कुछ होंदा सी. बट मेरे सामने तो बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर है. एक एक पॉइंट पर मतलब रैंकिंग कितने तक कितने लैके चला जाता. सो जिन्हों कहते ना कि एरर का हूँ चांस है ही नहीं. एक गलती, एक सवाल गलत तो तुम शायद 4,000-5,000 रैंक थले आ गए. तो यह बुरा हाल है सर जी इस वेले. कई बार बच्चा डीमोटिवेट हो जाता है, तो तुम समझाते अखिलेश न? कोशिश करी दी जी समझा की, कुछ ना कुछ उस दिन कुछ छोटी जी पार्टी अरेंज कर ली थी घर बैठ के समथिंग, कुछ अद्धा पौने घंटे का कुछ अच्छा टीवी से कुछ कोई वधिया प्रोग्राम दिखाने. क्योंकि मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी है जी. ये सफ़र बहुत ही औखा सफ़र है, खासकर है 11th एंड 12th. मतलब ये 2 साल जिस बच्चे ने कट ले आई थिंक वो जिंदगी दे विच सक्सेसफुल होना लाजमी है. इट इज़ वेरी ये कह रहे हैं कि अगे जड़ा करियर इन्होंने परस्यू करना है. कॉम्पीटिशन तुम्हें क्या कि बहुत ज़्यादा है कॉलेजेस दे विच कट ऑफ होन या फिर कॉम्पीटिशन बहुत ज़्यादा, क्योंकि असी ऑल इंडिया रैंक हले देखना है कि किन्ना की आंदा है इस दौर दे विच. जेकर एडमिशन्स जिस तरह की भी रहती है तुहाडा किन्ना की रोल अहम रहेगा अखिलेश नू सपोर्ट करन? हुण अखिलेश नू जेड़े कॉलेज दे विच एडमिशन लेनी है आप, साड़ा फर्ज होएगा भाई असी कोशिश करिए उस कॉलेज दे उपर, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी एडमिशन होनी उन्होंने अपने बलबूते ते मिलनी है. असी ते वध तो वध फाइनैंशियल सपोर्ट ही कर सकते हैं उहदे वास्ते, जिन्नी साडी क्षमता होएगी जरूर करांगे. अल्टीमेटली ते रिजल्ट जो लैके आ रहा है उस हिसाब दे नाल उन्होंने एडमिशन मिलेगी. उहदा ही हार्डवर्क उन्होंने
मेहनत जी उन्हें की है आई एम श्योर उन्होंने वधिया कॉलेज और मनपसंद कॉलेज के एडमिशन मिलेगी एंड वी प्रे कि अगे भी सक्सेसफुल रहे अपने करियर के हार्डवर्क जो पे ऑफ जरूर करता है तो यही उम्मीद करते हैं कि अखिलेश हूँ उन्होंने मनपसंद जो भी कॉलेज वो चाहते हैं वो जरूर मिले तो 99.4% मैं बार बार इस करके कह रही हूँ बिकॉज नॉन मैडिकल इन्नी परसेंटेज ना ट्राईसिटी के टॉप करना अपने आप से वही गल हो जाती है लेकिन इस ना सिर्फ अखिलेश उन्होंने पेरेंट्स तो उन्होंने टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है तो इसके अलावा की कुछ उन्होंने अपनी शड्यूल रख्या पढ़न वास्ते तो प्रैशर होंगे से उसको किस तरीके उन्होंने कोपअप किया वो सारी चीज़ा उन्होंने दसी ते होर भी टॉपर्स ने उन्हें नाल भी गलबात करांगे तद तक कैमरा परसन रुपिंदर जीत के नाल पूजा वर्मा पंजाब टुडे।